Hi guys, good morning. This is Moon Moon and you watching me on my channel Discussing with Moon Moon. अभी बजे हैं 10:15 और आज थर्सडे है. अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, ये ब्रेकफास्ट लेकर बैठी हूँ. ब्रेड और ये बटर लगा रही हूँ ब्रेड में. ये मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे और मेरा बेटा खाएगा. ये आलू और छोले की सब्जी बच गई थी, इसे कचौड़ी के साथ खाएगा. इसके साथ उसका ब्रेकफास्ट स्पेशल, हम लोग का सिंपल. ब्रेड और बटर भी सिंपल नहीं है फ्रेंड्स. तो ये लगा रही हूँ. हेलो बेटा, एक्चुअली 10:15 में ब्रेकफास्ट नहीं किया जाता है और अर्ली में थोड़ा किया जाता है, लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, टाइम का कोई वैल्यू नहीं है. अभी किस समय, और मैं किचन का कुछ काम कर रही थी, जैसे अदरक और हरी मिर्च जो है उसका पेस्ट किया, वो ख़त्म हो गया था. और पेस्ट करके रखना ज़रूरी है क्योंकि लाइट इतनी कटती है जिसके वजह से बहुत मुश्किल हो जाता है. एट अ टाइम अगर हमको चाहिए तो नहीं मिल सकता, इसलिए लहसुन फिर अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट करना ज़रूरी है. करके रखना ज़रूरी है, तो इसलिए वो मैं कर रही थी. और दूसरा धनिया पत्ता और पुदीने की चटनी बना रही थी, उसे भी पेस्ट किया. तो ये सब जो मिक्सी का जो काम है वो पहले ही मैंने ख़त्म कर लिया आज, इसलिए. और मैं आज बताऊँगी कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ थर्सडे को. तो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं. गई हूँ मैं अपने किचन पे और देखिए मैंने आज क्या बनाया है. ये चावल देख रहे हो आप, ये आम और चीनी देखे मैंने, मीठी चटनी बनाई है. और ये रहा आज का सब्जी, इसमें टोटल आलू को लेकर 1 2 3 4 5 6 6 सब्जियाँ देखिए आपको दिख रहा है. बैगन है, परवल है, रॉ पम्पकिन है जिसे कद्दू कहते हैं, और मूली है, अरबी है, और आलू तो है ही. और उसके साथ साथ ये जो है किसकी डंठल है, ये गोभी की, गोभी, ये गोभी की डंठल है. ये सारा मिक्स करके मैं आज सब्जी बनाऊंगी. इसे कहते हैं बंगाली में, इसे कहते हैं फ्रेंड्स चौचौड़ी. तो ये चौचौड़ी बनेगा, सारे मिक्स सब्जियों को हम लोग चौचौड़ी कहते हैं. तो ये बनाती हूँ और आप लोग को शेयर करती हूँ. सब्जी बंगाली का ये भी बहुत इम्पोर्टेंट उसके लिए खाना होता है बंगाली का. सबसे ये भी आलू पोस्तो, फिर ये सब मिक्स सब्जी जो चौचौड़ी कहते हैं, ये सब जो सब्जी होती है ये हम लोग के लिए बहुत स्पेशल होती है.
जब हमारी मम्मी बनाती थी तो हमें हम खाने के लिए जैसे उसके साथ अगर चिकन रहे, मटन रहे या फिर फिश रहे और वो सब तो खाते ही थे, लेकिन उसके पहले मम्मी मेरी यही चौचुरी बनाती थी एंड आर फेवरेट मेरा ये चौचुरी है। तो कुछ बंगाली रेसिपी होता है जो बहुत ही मस्त हम लोग के लिए होता है फ्रेंड्स। तो ओह गॉड, आज पसीना पसीना हो रहा है। एक्चुअली कल भी ऐसा मौसम हो गया था, एकदम बादल हो गया था, एकदम बादल जैसा, घर बहुत खुश हो गई थी मैं, ऐसा लगा जैसे अभी तुरंत बर्फ पड़ेगा, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन मौसम थोड़ा सा पहले से ठंडा कर दिया था और इसलिए थोड़ा कुछ कल थोड़ा सा चैन की नींद सोई, और आज भी अभी मौसम धीरे धीरे वैसा हो रहा है, भगवान करे वैसा ही हो ताकि थोड़ा हम लोगों को रिलैक्स मिले। इसलिए पसीना इग्नोर इट। तो ये सब्जी मतलब कि जैसे इसको अगर हम लोग कवर करके बनाते हैं ढक के, तो ढक के इसे सीम में इसे थोड़ा सा इसका जो फ्रेम है वो थोड़ा सा लो कर देंगे, और हल्दी और नमक दे दिया है मैंने, आपने देखा, बस हल्दी और नमक से ही ये कुक्ड होगा। अगर ज़रूरत पड़ी जैसे अरबी दिया है तो वो थोड़ा जो कड़ा होता है, हार्ड होता है, तो बाद में जब देखूंगी कि हल्दी नमक का पूरा उसके साथ मिक्सचर हो गया है, अच्छे से हाफ कुक हो गया है, उसके बाद थोड़ा सा पानी उसमें डालूंगी और ये पूरी तरह से मिक्स्ड बनेगी। ये मैं रेसिपी पूरा दिखाने वाली हूँ और ये बन जाएगी और इट्स ऑसम, खाने में ही ऑसम लगता है। सब्जी में मैंने पानी डाल दिया है, जब देखा पर सूख गया था तो पानी डाल दिया। इसमें आपने देखा हरी मिर्च डाला है और लास्ट में मैंने थोड़ा सा चीनी डाला है, क्योंकि इसमें कद्दू भी है और हम लोग तो हर चीज़ में चीनी डालते ही हैं फ्रेंड्स, आप तो जानते हो आप लोग। तो इसमें चीनी डाला है बिना मिठाई का, तो सब्ज़ी में डलती रहता है इसलिए बिना चीनी का कोई स्वाद नहीं लगता है। इसमें हल्दी और नमक के अलावा कोई मसाला नहीं है और ये बनेगा, थोड़ा सा हल्का सा लो फ्लेम से कर दी हूँ मैं, ये बनेगा। और एक्चुअली मैं पीछे का बैकलाइट इसमें जलाकर इस सब्ज़ी को बनाई, क्योंकि अभी बादल हो गया है और मेरा जो किचन है अब देख रहे हो अंधेरा अंधेरा हो गया है, तो उसमें प्रॉब्लम हो रहा था दिखाने को, तो मुझे बैकलाइट जलाना पड़ा। चलो अच्छा है, बारिश होगा तो अच्छी बात है, सभी के चेहरे पे सभी के मुंह में यही बात है कि बारिश कब होगी, बारिश कब होगी, और चेहरे पे खुशी होगी जब बहुत ज़ोर से बारिश होगी कम से कम देर से 2 घंटा, तभी जाके फुल रिलैक्स होगा। सब्जी बॉयल हो रहा है फ्रेंड्स, ये रहा। गुड इवनिंग गाइस, देखिए मैं आज भींग गई हूँ, मैं अभी जस्ट घर पहुँची हूँ, मैं पूरा भींग गई हूँ, देखिए पूरा गीला है मेरा कपड़ा। एक्चुअली मैं साईं मंदिर गई थी तो आने में बहुत लेट हो गया था और बाहर में बहुत बारिश हो रही है और आज भीगने का कोई पछतावा नहीं है बिकॉज द मानसून इज कमिंग और बारिश का मौसम आ गया है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ, और मज़े से मैं आ रही थी अपनी स्कूटी चलाते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज, आज सच बोली है। तो चलिए चेंज कर लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। ओके, मेरे बाल सूख गए हैं, पूरा भींग गई थी, मैंने कहा था ना मैं साईं मंदिर गई थी तो उसमें काफ़ी लेट हो गया था फ्रेंड्स, तो शाम रात हो गई थी, बहुत बारिश हो रही थी, मज़ा आ गया आज बारिश में भींग के। आज मैंने, आप देख रहे हो, काजल अप्लाई किया है। काजल में मैं कैसी लगती हूँ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि
काजल मैं पहले करती थी, और उसके बाद बहुत दिन मैंने काजल छोड़ दिया, फिर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया काजल। चश्मे में रहती हूँ तो चश्मे में एक्चुअली यहाँ भी एक दाग हो गया है, इसे भी हटाने की कोशिश करूँगी लेकिन करती नहीं हूँ। चश्मे में भी रहती हूँ तो सोचती हूँ कि चश्मे में वो काजल दिखेगा कि नहीं, दिखता है। अगर मैं काजल नहीं भी लगाऊँ तो भी समझ में आएगा कि काजल मैंने नहीं लगाया, और मैं लगाई हूँ तो सबको समझ में आएगा हाँ चश्मे के अंदर काजल लगाया हुआ है। जो लोग चश्मा पहनते हैं वो काजल लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, जो अपना शौक पूरा नहीं करेंगे तो कैसे होगा। जिसको शौक है काजल का तो काजल लगा सकते हैं। तो मैंने वहीं अप्लाई करके मैं दिखा रही हूँ आपको, मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको कि मैं कैसी लग रही हूँ काजल में। और मेरा ये आदत जो है हमेशा चश्मे में रहना, क्योंकि ये तो चश्मा पावर का है तो इसे पहनना भी ज़रूरी है, आदत भी हो गई है। तो ये चश्मा में मैं मतलब ऑलवेज लगा के रखती हूँ, तो फिर कभी सोचती हूँ काजल लगाऊँ फिर नहीं लगाऊँ, मन हुआ किस दिन लगा लिया, नहीं लगाया तो आज लगाई हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत दिन के बाद कुछ नया की। और मैंने ब्लू हेवन का काजल यूज़ किया है फ्रेंड्स, लेकिन उतना खास नहीं है। मैं एक अच्छा वाला मतलब मैबलिन का या फिर देखती हूँ लैक्मी का काजल एक बार परचेस करके उसे भी लगाने की कोशिश करूँगी। बहुत पहले लैक्मी का यूज़ की थी, फिर बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग हो गया था बिना काजल का, तो इसलिए मैं लैक्मी या फिर मैबलिन का ही यूज़ करूँगी। देखती हूँ कौन सा बेटर रहेगा, आई थिंक लैक्मी बेटर है, तो लैक्मी यूज़ एक बार अप्लाई करके देखूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि लैक्मी में भी मेरा काजल, क्योंकि ये काजल मुझे उतना खास लगता नहीं है, ठीक है लगता नहीं है, लेकिन थोड़ा जैसे लगता फेक, मतलब जैसे साइड में बहुत ज़्यादा ये लग गया है। और बहुत बार इसको काजल का लाइन करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि एक बार में ही अच्छा सा कलर आ जाए, अच्छा दिखने लगे, कलर नहीं दिखने लगे, कलर क्या आएगा। तो ओके एनीवे, और चश्मे में आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, चश्मे में मुझे भी आदत हो गई अपने आप को देखना, सच में अपने आप को देखना मुझे आदत हो गया है। चश्मे में आप लोग भी मुझे हमेशा देखते रहते हो। और ये मैं साई मंदिर गई थी तो पीला रंग का वो जो मतलब जो टीका होता है वो लगाते हैं, और चश्मे में भी मुझे काजल आप देख रहे हो कि काजल दिख रहा है चश्मे में। वो चश्मा मेरा ब्लू कलर का है, वाइट चश्मा है नहीं फिर भी, लेकिन मुझे ये दिख रहा है कि हाँ काजल में भी चश्मा वो दिख रहा है कि हाँ मैं काजल लगाई हूँ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे आँखों में काजल सूट कर रहे या नहीं। लोग बोलते हैं ना कि अपने शौक से तो इंसान खा लेता है पी लेता है, पहनना दूसरे के शौक से होता है कि दूसरा कहे हाँ बहुत अच्छा आपने आज अच्छे लग रहे हो, आपके ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है, आज आपका ये लुक अच्छा लग रहा है, तो लोगों के कॉम्प्लीमेंट में ही अपनी लगता है कि हाँ मैं आज आई एम लुकिंग बेटर टुडे। सो गाइज आप लोग देखकर बताना। एंड मेरा वो रेसिपी जो है जो मैंने चौचुरी बनाया था वो बहुत ही ऑसम बना था, एक्चुअली बंगाली रेसिपी है, सबको सब चीज़ नहीं भाती है, तो हम लोग के लिए फेमस है, हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा वो अच्छा है, तो इसलिए हम लोग बनाते हैं, आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं जब साउथ इंडियन वाला खाना खा सकती हूँ तो आप लोग भी बंगाली वाला भी रेसिपी ट्राई कर सकते हो। आजकल कोई हिसाब नहीं है किसी का भी, हम लोग किसी भी किसी का भी कास्ट का भी कोई भी, हम लोग किसी भी जोन का हम लोग रेसिपी बनाते ही हैं, ट्राई तो करते ही हैं, आफ्टरऑल हर चीज़ ट्राई करना भी चाहिए, ट्राई करना बहुत ज़रूरी होता है। सो गाइज मैं आज अपना ब्लॉग यहीं पे ही स्टॉप करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और अच्छा लाने की कोशिश करूँगी। आप लोगों से बात करने से मुझे बहुत अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है, दैट्स व्हाई एक आदत सी बन गई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करना, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी बिल्कुल करना भूलना नहीं, और जो लोग मेरे चैनल को न्यू देख रहे हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।